बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूँ आपका दोस्त और उस्मान अली, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उस्मान लियाकत वाइटी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि वर्ल्ड प्रेस के साथ अटैच्ड है, और जो वर्ल्ड प्रेस को यूज़ करते हैं और उनके पास इस तरह के एरर्स आते रहते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एरर्स दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा, ठीक है। ये एरर आप लोगों को भी मिलते होंगे। जी हाँ, जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं थीम को, इंस्टॉलेशन फील्ड हो जाती है, प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं वो भी फील्ड हो जाती है, या फिर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का भी ऑप्शन आ रहा होता है थीम, जो कि आपको नज़र नहीं आता, ये वाला सीन। ये चीज़ आप लोगों को अगर एरर सॉल्व नहीं करना आ रहा, तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने करना है क्या। सबसे पहले अपने सी पैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, वो आपने क्लिक करके नोटिफिकेशन के ऊपर लाजमी प्रेस करना है, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आ जाए। सी पैनल ओपन करने के बाद आप लोगों ने आ जाना फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद आप लोगों को पब्लिक एचटीएमएल की फाइल मिलेगी। बाज़ुकात को कुछ सी पैनल्स के अंदर पब्लिक एचटीएमएल फाइल नहीं मिलती, डायरेक्ट इस तरह ओपन हुई होती है। तो आप लोगों ने मेन ओपन चीज़ का करनी है, वो आपने करनी है WP कंटेंट। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप, इसे ओपन करेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें थीम का ऑप्शन ही नहीं है, थीम का फोल्डर ही नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि थीम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं कहता हूँ थीम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोगों ने कुछ का छुपा होता है, कुछ का फलां फलां चीज होती है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना न्यू फोल्डर के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने फोल्डर का नाम क्या रखना है, थीम, ठीक है। थीम हम नाम रखेंगे, और यहाँ से क्रिएट एंड ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इनके खुद क्रिएट हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग ये थीम ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये फाइल है, न्यू फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखना है index.php, ठीक है। ये चीज़ लिखेंगे, और उसके बाद आपने इसे कर देना है क्रिएट। जैसे आप इसे क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास फाइल आ जाएगी। उसके बाद आपने डबल क्लिक करके इसे भी ओपन करना है, और ओपन करने के बाद एडिट के ऊपर यहाँ पर आप लोगों ने जो चीज़ लिखनी है वो ध्यान से आप लोगों ने देखना है। आप लोगों ने ये लेस देन ब्रैकेट यूज़ करनी है, उसके बाद आपने सवालिया निशान यूज़ करना है, और यहाँ पर लिख देना PHP। PHP लिखने के बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, इसे यहाँ से सेव एंड क्लोज। जैसे आप सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे, और आपने आ जाना है यहाँ पर अपने वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस के ऊपर आने के बाद थीम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें, और उसके बाद आप कोई भी एक थीम इंस्टॉल करके देखें। अगर वो इंस्टॉल हो जाता है, तो आपका एरर सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सेम वही इशू आ रहा है अभी तक। तो यहाँ पर हमने दोबारा इसे क्लिक करते हैं और ओपन करके देखते हैं दोबारा से। तो दोबारा हम क्या करेंगे, सी पैनल के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ पर थीम के ऑप्शन के ऊपर दोबारा से हम कर देते हैं WP कंटेंट के ऊपर क्लिक, और यहाँ से जो थीम है हमारा, इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि फोल्डर का नाम चेंज करके देख लेते हैं। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और थीम्स के आगे एस लिख के यहाँ से कर देता हूँ रीनेम। और रीनेम करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे ओपन करते हैं हम इसे, और ओपन करने के बाद index.php, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसे भी एडिट करूंगा, ठीक है। और यहाँ से हम कर देंगे इसे क्लोज, यहाँ से सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करके, दोबारा से हम इस पेज को भी रीलोड करेंगे, और रीलोड करने के बाद यहाँ से दोबारा से वो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके ओके हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये इस तरह एरर सॉल्व कर सकते हैं, और एरर सॉल्व करने के बाद आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखेगा।
अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।